बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन, जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है। नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी, तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 में अंग्रेजी विषय में अल्फाबेट जे, कक्षा 2 में गणित विषय में हमारे आसपास के पैटर्न्स भाग 1, कक्षा 3 में हिंदी विषय में मैं सड़क हूँ, कक्षा 4 में अंग्रेजी विषय में से वाटर व कक्षा 5 में पर्यावरण विषय में कुछ खास है हम भाग 2। बच्चों, आज हम लेटर जे सीखेंगे। दिस इज लेटर जे। यह लेटर जे है और इसका साउंड होता है ज। आप भी मेरे साथ बोलिए, जे सेज ज, जे सेज ज। यह कैपिटल जे है और यह स्मॉल जे है। दिस इज कैपिटल जे एंड दिस इज स्मॉल जे। चलिए जे से शुरू होने वाले कुछ वर्ड्स हम सीखेंगे। जे इज फॉर जग, ज ज जग। जे इज फॉर जा, ज ज जा। J is for jam, j j jam. J is for jet, j j jet. J is for jacket, j j jacket. J is for juice, j j juice. J is for jug. J is for jar. J is for jam. J is for jet. J is for jacket. J is for juice. बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 2 में गणित विषय में हमारे आसपास के पैटर्न्स भाग 1। हमारे आसपास की वस्तुओं में पैटर्न। मम्मी, दीपावली आ रही है तो हमें दिए की सुंदर सजावट करके उसे स्कूल में ले जाना है। हाँ बेटा, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। क्या तुम अभी मेरे साथ बाजार चलोगी? हाँ चलो, चलते हैं। भैया, मेरी इस साड़ी में लगाने के लिए अच्छी सी लेस यानी पट्टी दिखाइए। इनमें से आपको जो भी पैटर्न अच्छा लगे वह ले लीजिए। मम्मी, पैटर्न किसे कहते हैं? जब किसी वस्तुओं या आकृतियों को विशेष क्रम में रखा जाता है और उन्हें उसी क्रम में बार बार दोहराया जाता है तो उसे पैटर्न कहते हैं। ये देखो, इस लेस में मोर की आकृतियां हैं। अरे हाँ, यहाँ मोर की आकृतियों को बार बार दोहराया गया है। सही कहा विनी। मम्मी,
मुझे पैटर्न के बारे में और जानना है। ठीक है विनी, तो आज हम हमारे आसपास की वस्तुओं के पैटर्न को समझेंगे। देखो विनी, यहाँ रखे हर एक कपड़े में कोई ना कोई पैटर्न है। अरे हाँ, सभी कपड़ों में कुछ आकृतियाँ बार बार दोहराई गई है। सही कहा विनी। भैया, हमें लेस की यह पैटर्न पसंद है, आप मेरी साड़ी पर यही लगाना। ठीक है, आप कल अपनी साड़ी ले जाना। धन्यवाद भैया। विनी, चलो चलते हैं। हाँ चलो। विनी, इस दीवार को देखो, इस दीवार पर ईंटों से पैटर्न बनाया गया है। अरे हाँ। अब देखो, इस जेब्रा क्रॉसिंग पर काली और सफेद पट्टियों के पैटर्न है। हाँ, इस पैटर्न में काली सफेद ऐसे दोनों पट्टियों को बार बार दोहराया गया है। हाँ, अब इस आइसक्रीम की दुकान की छत देखो, क्या यहाँ पैटर्न है? हाँ, यहाँ भी दो अलग अलग रंग की पट्टियों से पैटर्न बनाया गया है और आइसक्रीम के कोन पर भी पैटर्न है। हाँ विनी, देखो बातों बातों में घर आ गया। अरे मम्मी, हमारे घर के दरवाजे में भी पैटर्न है। सही कहा विनी, यहाँ लगी पट्टियों के पैटर्न में बड़ी से छोटी, छोटी से बड़ी से छोटी और फिर छोटी से बड़ी पट्टियों को लगाया गया है। मम्मी, हमारे घर के मेज पर रखे कपड़े पर भी पैटर्न है। विनी, इस कपड़े का पैटर्न कैसा है? यहाँ पहले 3 फूल, फिर 2 फूल, फिर 3 फूल, 2 फूल, 3 फूल, 2 फूल, ऐसे पैटर्न बनाया हुआ है। शाबाश विनी, बहुत अच्छे। अब ये बताओ कि इस मेज पर पड़े फलों में से कौन से फलों में पैटर्न है? यहाँ सीताफल और अनानास में पैटर्न है। विनी, जरा टीवी चालू करो तो। अरे मम्मी, ये क्या, यहाँ टीवी में दिख रही इमारत में भी पैटर्न है। हाँ, ये जयपुर राजस्थान में स्थित हवा महल है। और ये? ये मुंबई का होटल ताज है। मम्मी, ये इमारतें पैटर्न की वजह से कितनी सुंदर दिखती है ना? अरे, सुंदर से याद आया, मुझे दिए की सुंदर सजावट करके उसे स्कूल में ले जाना है। चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। देखो विनी, इस दिए में भी एक जैसा पैटर्न है। हाँ, पर उसे सुंदर कैसे बनाएंगे? इन छोटे बड़े स्टोन को दिए पर लगाकर। कैसे? हम इस दिए के पैटर्न पर ऐसे दो अलग अलग रंगों के बड़े और छोटे स्टोन लगाकर उन्हें दोहराएंगे। तो देखो, अब दिए पर बन गया सुंदर पैटर्न। हाँ मम्मी, अब तो ये दिया बहुत सुंदर दिख रहा है। विनी, चलो अब तुम अपना होमवर्क कर लो, फिर हम अलग अलग वस्तुओं की मदद से पैटर्न बनाएंगे। ठीक है मम्मी। हाँ तो दोस्तों, आज हमने हमारे आसपास की वस्तुओं में बने हुए पैटर्न को समझा। अगले वीडियो में हमारे आसपास की वस्तुओं की मदद से पैटर्न बनाना सीखेंगे। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 3 में हिंदी विषय में मैं सड़क हूँ। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 3 का पाठ नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है मैं सड़क हूँ। जी हाँ, मैं सड़क हूँ। मिट्टी,
पत्थर और डामर से बनी। एक बड़े अजगर की तरह मैदानों, जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजरती हूँ। पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदानों को पार करती हुई गांवों को शहरों से जोड़ती हूँ। जब आदमी ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की बात सोची होगी, मैं कहीं कच्ची हूँ तो कहीं पक्की, कहीं मैं घुमावदार बनी तो कहीं एकदम सीधी सपाट। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोपड़ी, बाग बगीचे, हाट बाजार और भी न जाने कहां कहां मेरी पहुंच है। लोग कहते हैं कि गांव के पास होकर गुजरते समय मैं उसके विकास का हिस्सा बन जाती हूं। सच पूछो तो मुझे विभिन्न ऋतुओं में तरह तरह की फसलों से भरे भरे खेत बहुत सुंदर लगते हैं। गाय, भैंस, बैलों के झुंड जब मेरे ऊपर से गुजरते हैं तो मैं अपना दुख दर्द भूल जाती हूँ। मेरे बाजू में खड़े हरे भरे पेड़ों की छाया मुझे बहुत अच्छी लगती है। गर्मी के दिनों में पैदल चलने वालों को भी इनकी छाया में आराम मिलता है। मेरे किनारे पर लगे आम और जामुन जैसे फलदार पेड़ लोगों को आनंद देते हैं। बच्चे तो उनकी ओर दौड़े चले जाते हैं। खेलते कूदते फलों को आपस में बांटकर खाते हुए बच्चों को देखकर मुझे कितनी खुशी होती है क्या बताऊं? दशहरा, ईद आदि त्योहारों और मेले से मेरी शोभा बढ़ जाती है। मेरे आसपास सफाई हो जाती है, दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है, तरह तरह की दुकानों से मैं सज जाती हूँ। काफी चहल पहल होती है, सभी लोग खुश नजर आते हैं। मुझे अच्छा लगता है अपने नजदीक ये रौनक देखकर। दुख तब होता है जब मेरे ऊपर कूड़ा करकट फेंक दिया जाता है। अरे अरे, देखो कितने लोगों ने मुझ पर ठोका भी है, केला खाकर छिलका भी मुझ पर फेंक दिया है। कई जगह मुझ पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं जिससे मुझे ही नहीं लोगों को भी परेशानी होती है। मैंने अपने ऊपर कभी लोगों के थके हारे कदमों की आहट सुनी है तो कभी तेजी से चलते हुए उत्साहित कदमों की धमक। हाँ, कभी कभी तो ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि लोगों की मौत तक हो जाती है, तब मुझे दुख होता है क्योंकि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाती। यदि लोग मेरे किनारे लगे संकेत चिन्हों का पालन करें तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। चाहे जो भी मेरे ऊपर होकर गुजरी, मैं सबके सुख दुख में उनके साथ शामिल हो लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि सब लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचा सकूँ। चलते रहो, चलते रहो, यही मैं कहना चाहती हूँ। सुख और दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, पर हमें उसकी परवाह न करते हुए चलते रहना चाहिए। सुनो सुनो, अभी अभी मेरे ऊपर होकर एक गाड़ी गुजरी है, क्या तुमने भी उसमें बजता हुआ गाना सुना है? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पर चल के मिलेंगे साए बहार के, ओराही ओराही। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ जिसका नाम था मैं सड़क हूँ। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 4 में अंग्रेजी विषय में से वॉटर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 4 इंग्लिश, सेव वॉटर, पानी बचाओ। आइए, लेट्स लर्न हाउ टू सेव वॉटर। What things do we need to live? हमें जीवन जीने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है?
Where do we get water from? हमें पानी कहाँ से मिलता है? How do you think people waste water? आप क्या सोचते हो कि लोग पानी किस प्रकार व्यर्थ करते हैं? Do we save water? क्या हम पानी बचाते हैं? Let's understand with the help of this poem that how we save water. Water, water all around, save every drop that can be found. Wasting water is not good, so you never should. Never let your taps run. Turn them off as soon as you are done. Don't waste time in the shower. Your harvested water should be used on a flower. Wash your car in the rain, so not as much water will go down the drain. Use a little brick in the toilet when you flush, so the water won't go down in a gush. You must realize water is good, so save as everyone knows we should. प्यारे बच्चों, पानी हम किस प्रकार बचाते हैं ये हमने इस पोयम के माध्यम से सीखा है। आओ इसका अर्थ समझते हैं। वाटर वाटर ऑल अराउंड, पानी पानी चारों तरफ। सेव एवरी ड्रॉप डेट कैन बी फाउंड, जो भी मिलती है उस प्रत्येक बूंद को बचाओ। प्यारे बच्चों, यहाँ इसका अर्थ ये है कि पानी तो हमारे चारों तरफ है, कहीं नदियों में, कहीं तालाबों में, कहीं समुद्र में, लेकिन पीने योग्य पानी बहुत कम है। हमें पानी की प्रत्येक बूंद को बचाना चाहिए। वेस्टिंग वाटर इज नॉट गुड, पानी को व्यर्थ बहाना अच्छा नहीं है। सो यू नेवर शुड, इसलिए तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा पानी बचाना चाहिए, कभी पानी को बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। नेवर लेट योर टैप्स रन, कभी नल को खुला मत छोड़ो। Turn them off as soon as you are done. जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो उसे तुरंत बंद कर दो। जब भी आप पानी का इस्तेमाल करें तो जितना पानी ज़रूरी है उतना ही काम में लें और तुरंत नल को बंद कर दें। Don't waste time in the shower. नहाने के लिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें। नहाना अच्छी बात है बच्चों, लेकिन ज़्यादा देर तक अनावश्यक नहाने से पानी बर्बाद होता है, इसलिए हमें कम समय में जल्दी नहा लेना चाहिए। Your harvested water should be used on a flower. आप के द्वारा संचित पानी फूलों के ऊपर उपयोग करो। इसका अर्थ यह है कि कई बार पानी इकट्ठा हो जाता है जिसे हम फेंक देते हैं, लेकिन हमें पानी को अनावश्यक नहीं फेंकना चाहिए। इस तरह का संचित पानी हम खेती बाड़ी के लिए या पेड़ पौधों को देकर उपयोग में ला सकते हैं। वॉश योर कार इन द रेन, तुम्हारी कार को बारिश में धो। इसका अर्थ यह है कि कई बार हम कार धोने के लिए उपयोगी पानी व्यर्थ बहा देते हैं, लेकिन बारिश का समय है तो कार को बारिश में भी धोया जा सकता है। सो नॉट एज मच वाटर विल गो डाउन द ड्रेन, इससे ज़्यादा पानी नाली में नहीं बहेगा। ड्रेन का अर्थ बच्चों यहाँ पर है
नाली। यूज अ लिटिल ब्रिक इन द टॉयलेट व्हेन यू फ्लश। शौचालय में पानी कम कम डालो, एक साथ सारा पानी नहीं डालना चाहिए। सो द वॉटर वॉन्ट गो डाउन इन अ गश। इससे क्या होगा, तेज पानी बहाव के साथ नहीं बहेगा, यानी पानी तेज बहाव के साथ नहीं बहेगा। एक साथ सारा पानी नहीं डाले, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाले। यू मस्ट रियलाइज वॉटर इज गुड। तुम्हें समझना होगा कि पानी अच्छा है। आपको यह महसूस करना होगा कि वाटर इज वेरी प्रेशियस, पानी बहुत कीमती है, क्योंकि पानी तो चारों तरफ है लेकिन पीने योग्य पानी बहुत कम है। सो सेव एज एवरीवन नोज वी शुड। इसलिए जैसा सब जानते हैं पानी बचाओ। प्यारे बच्चों, हमें पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। हमें जितनी आवश्यकता हो, जहां जरूरत हो, वहीं पानी का उपयोग करना चाहिए। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि फर्श धोने के लिए एक साथ इतना सारा पानी बहा रहे हैं, लेकिन फर्श धोने के लिए हम थोड़ा पानी लेकर भी फर्श को साफ कर सकते थे। जैसा यहाँ देख रहे हैं कि बाल्टी भर गई है तो भी नल चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, हम छोटी छोटी बातों में अपने व्यवहार में बदलाव करें। जहाँ पानी व्यर्थ बह रहा है वहाँ हम नल को बंद कर दें और थोड़ा पानी उपयोग में लें, और दूसरों को भी इस बात को समझाएं कि डैट वी हैव टू सेव वाटर। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 5 में पर्यावरण विषय में कुछ खास है हम भाग 2। नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ 3 कुछ खास है हम का दूसरा भाग पढ़ेंगे। आज के भाग में बच्चों हम चर्चा करेंगे सांकेतिक भाषा। बच्चों देखो, मैं आपको कुछ निर्देश देने जा रही हूँ, लेकिन ये निर्देश मैं आपको बोलकर नहीं दूंगी। मैं आपको कुछ इशारे करूंगी, आपको उन इशारों को समझना है और उस कार्य को करना है। तो पहला कार्य, दूसरा कार्य, तीसरा कार्य। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने तीनों निर्देशों को समझा होगा। सबसे पहले मैंने आपको कहा नमस्ते, दूसरे इशारे में जो मैंने आपको निर्देश दिया वो था खड़े हो जाओ, और तीसरा इशारा मैंने आपको किया इधर आओ। तो बच्चों, इसी तरह से अगर हम बोल नहीं सकते तो इशारों से अपनी बातों को कह सकते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा बच्चों, कई बार आप अपनी क्लास में भी देखते हो, अगर मैम कह देती हैं कि बिल्कुल क्लास में शांति होनी चाहिए, बोलना नहीं है, तो भी आप अपने दोस्तों के साथ में इशारों में कुछ बातें कर ही लेते हो। जैसे कॉपी देनी है तो इशारा कर देंगे, किताब खोलनी है तो इशारा कर देंगे। तो इस तरह से ऐसे कार्य आपने अपनी कक्षा में कभी ज़रूर किए होंगे। लेकिन बच्चों, हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सांकेतिक भाषा के माध्यम से अपने मन के विचारों को हम तक पहुंचा देते हैं। देखो, अभी आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर अंग्रेजी वर्णमाला दिखाई दे रही है। इस अंग्रेजी वर्णमाला के साथ आप देखें तो आपको कुछ हाथ के संकेत दिखाई दे रहे हैं अलग अलग तरह से, है ना। ये बच्चों सांकेतिक भाषा है। इस भाषा के माध्यम से मूक बधिर यानी कि वे लोग जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, तो मूक बधिर लोगों को सांकेतिक भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है ताकि वे अपने मन के विचारों को सभी तक पहुंचा सके। तो देखो जरा, हम बॉय शब्द को बोल के दिखाते हैं लेकिन इशारों से, सांकेतिक भाषा के माध्यम से। तो इस वर्णमाला का हम प्रयोग करेंगे और इसको देखेंगे। तो देखो, बी ओ
वाय बॉय है ना। तो इस तरह से बॉय को हमने सांकेतिक भाषा में करके दिखाया। अब आप अपने दोस्तों के साथ में एक खेल खेल सकते हो कि आप किसी एक शब्द को सांकेतिक भाषा में बोले हाथ के इशारे से और आपका मित्र उस इशारे को समझ के उस शब्द को बोल कर बताए। तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ में जरूर करिएगा ताकि आप सांकेतिक भाषा को अच्छी तरह से समझ सकें। अब बच्चे जो मूक बधिर होते हैं वे पूरे देश दुनिया के समाचारों को भी सुन सकते हैं। हमारे दूरदर्शन पे मूक बधिर लोगों के लिए विशेष समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाता है, आओ उसकी एक झलकी देखते हैं। नमस्कार, इस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। तो देखा आपने बच्चों कि वे भी हमसे अलग नहीं है। जैसे हम टीवी पे समाचारों को देख सकते हैं और सुन सकते हैं, वैसे ही मूक बधिर भी समाचारों को देख सकते हैं और इशारों की सहायता से समझ सकते हैं। अब हम बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में हमें और क्या क्या कार्य करना है। तो देखो, सबसे पहला कार्य है सोचिए और बताइए। तो बच्चों, आपको यह देखना है कि यदि आपकी कक्षा में कोई ऐसा छात्र है जो बोल नहीं सकता हो, सुन नहीं सकता हो, देख नहीं सकता हो या चल फिर नहीं सकता हो, तो आप उसकी किस किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। तो इस विषय पर सोचिए और हमें बताइए। आगे आपको कार्य करने हैं जिसमें से पहला कार्य है कि बच्चों, यदि आपके आसपास कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है और वो पढ़ने के लिए स्कूल नहीं आता हो, तो बताओ आप उसको किस तरह से स्कूल आने के लिए प्रेरित करेंगे। तो यह कार्य आपको अब करना है। अगला कार्य जो आपको यहाँ पर करना है, देखो मैंने एक भारत का मानचित्र लिया और उसकी राज्यों के सीमाओं के ऊपर मैंने एक मोटा धागा लगा दिया है। तो इसी तरह से आप भी भारत का मानचित्र लेना और कुछ राज्यों की सीमाओं पर इस तरह से धागे को चिपका देना। अब आपको अपने मित्र के साथ में ये खेल खेलना है। आपको क्या करना है, भारत के मानचित्र पे उंगली को घुमाना है और राज्यों को पहचानने का प्रयास करना है, ठीक है। लेकिन इस कार्य को करते समय आपको अपनी आंखों को बंद करना है, ठीक है, वरना तो आप नक्शे को देखते ही पहचान लोगे कौन सा राज्य है। तो आंखों को बंद करते हुए उंगली घुमाते हुए राज्यों को पहचानने का प्रयास करिए। इस खेल को भी खेलने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तीसरे बिंदु में बच्चों, आपको जो कार्य करना है उसके लिए आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा और अपने आसपास देखना पड़ेगा कि आपके आसपास ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी सफलता अर्जित करी। चौथा बिंदु, आपको उन लोगों के साथ में बातचीत करनी है और उनके संघर्ष की कहानी को सुनना है और समझने का प्रयास करना है, ठीक है। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उनके संघर्ष की कहानी को लिख भी सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों यह कार्य आपको करने हैं। आगे चलते हैं। देखो, अब इस पूरे पाठ में हमने किन किन बिंदुओं को सीखा वो देखते हैं, एक बार उस पर पुनः विचार करते हैं। तो पहला बिंदु बच्चों हमने सीखा कि शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी लोगों में विशेष योग्यताएं पाई जाती हैं। दूसरा बिंदु, वे लोग जो देख नहीं सकते वे भी ब्रेल लिपि की सहायता से लिखते और पढ़ते हैं। तीसरा बिंदु, वे लोग जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, वे सांकेतिक भाषा में बातचीत कर सकते हैं। तो इन तीन बिंदुओं पर हमने इस पूरे पाठ में बहुत विस्तार से चर्चा की थी। बच्चों, आज हमने पढ़ा है कक्षा एक में अंग्रेजी विषय में अल्फाबेट जे, कक्षा दो में गणित विषय में हमारे आसपास के पैटर्न्स भाग एक, कक्षा तीन में हिंदी विषय में मैं सड़क हूँ, कक्षा चार में अंग्रेजी विषय में से वाटर व कक्षा पाँच में पर्यावरण विषय में कुछ खास हैं हम भाग दो। बच्चों, कल हम पढ़ेंगे कक्षा एक में हिंदी विषय में री श त्र, कक्षा दो में अंग्रेजी विषय में माय डियर लिटिल डॉग, कक्षा चार में गणित विषय में आकृतियाँ भाग दो व कक्षा पाँच में गणित विषय में पैटर्न व पर्यावरण विषय में खाने से पचने तक भाग एक। बच्चों,
हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर है सेंटर स्क्वायर फाउंडेशन, इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग के शिक्षिका सुश्री नीलम धनवानी जी, डॉक्टर जय श्री माथुर जी, डॉक्टर सुषमा प्रजापति जी व श्री अकबल नईम सिद्दीकी जी ने आज के वीडियो में अपना योगदान दिया है, तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट एयर इंडिया फाउंडेशन एवं पीरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके सुझाव हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का पता है निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर 313001।